रोड ट्रिप, दैट टू सोलो। जी हाँ, अभी तक मैंने जितने भी रोड ट्रिप किए वो या तो दोस्तों के साथ था या फिर फैमिली के साथ। ये मेरी ज़िंदगी का पहला सोलो रोड ट्रिप होगा। फरवरी 2024, मैं अपनी रोड ट्रिप का रोड मैप बना रहा था, तभी मेरे खुराफाती दिमाग की घंटी बजी। मैंने सोचा क्यों ना इसे सोलो के बजाय डोलो रोड ट्रिप किया जाए। अभी आप सोच रहे होंगे सोलो तो सुना है, ये डोलो क्या है? तो उसके लिए मैं पहले आपको किसी से मिलाता हूँ। इसीलिए मैंने इस ट्रिप को नाम दिया डोलो रोड ट्रिप। हम दोनों ने पूरे 6000 किलोमीटर का रास्ता तय किया। रास्ता जितना मुश्किल था उतना ही रोमांचक भी था। तो चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र पर। एक चीज़ तो हम बताने ही भूल गए आपको कि हम जहाँ का आ रहे हैं, तो हमने तय किया कि हम चलेंगे अरुणाचल प्रदेश। सारा इंतज़ाम चल रहा है और ये मैंने एक मोबाइल होल्डर लगवा रखा है। फिर आपको पता ही है इग्निस का जो हेडलाइट का थ्रो है, पाव है, वो बिल्कुल ही बेकार है। एंड फाइनली इतने सालों बाद मैंने हेडलैम्प मैंने चेंज करवाया। ये एलईडी लगवा लिया वाइट, इसके साथ फिर फॉग लैम्प भी लगवा लिया वाइट। और भी बहुत कुछ है, मैं एक्चुअली बाद में बताऊँगा मैं, क्योंकि प्लान अकॉर्डिंगली नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रखा है अभी भी, बहुत कुछ खरीदने को है अभी भी, वो मैंने नहीं किया। यू नो आई कैन से कि ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव टूर होगा अभी तक का, सब द एंड ऑफ द ट्रिप। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एग्जैक्टली मुझे कितना इस ट्रिप में खर्चा हुआ। साहबजादे जो है, इन साहबजादे का बेड बन रहा है नीचे। कब्जे तो मंगा लिए ना यार, गाड़ी हिलेगी, कब्जे तो वैसे भी अंदर की तरफ फोल्ड होंगे। हाँ, तो धीरे धीरे टेढ़ा हो जाएगा फिर वो जब चलेगी गाड़ी। नहीं, ये सही किया आपने, ये बिल्कुल लॉक हो जाता ना। हाँ, तो टिका रहेगा ये। घुसाने के लिए इसको खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है ना घूमने का स्पेस। ठीक है, अभी हम ट्रायल पे निकले, बेड का ट्रायल। हम गरीब ट्रायल के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मुझे और ये बड़े कुत्ते को तो नहीं लेके जा रहे हैं ये लोग। ये हमारा पहला टूर होगा जो मैं अकेले कर रहा हूँ इन सबको छोड़ के, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मेरे फाइनेंस सिर्फ ये कुत्ते। अरे ये जूम भी नहीं होता, आप लोग बताना वीडियो में हमारे बिना आपको वीडियो अच्छी लगती है या हमारे साथ अच्छी लगती है, बताना आगे वीडियो में कमेंट करके। हाँ, ये बात जरूर बताना। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं डॉक्टर के पास, स्कूबी का वैक्सीनेशन बाकी है एक, और जो भी प्रिकॉशंस चाहिए होगा उसके लिए वो सारा कुछ डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके। मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा ये लोग रास्ते में करेंगे क्या, मतलब जब भी निकलेंगे गाड़ी से ओगी तो धूम मचा देगा अंदर। ये जो मैंने एलईडी लिया था तो ये उसका थ्रो है, ये लो बीम है, ये हाई बीम है, अच्छा है। हाँ जी, थोड़ा सा हाइपर है। स्टे बाबा स्टे, ओके नो, चला जा, चल बाबा। वहाँ पे अच्छा बाबा, हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक है। हाँ, खांसी फिर वो हो गया था ना इंटेस्टाइन पे, उसका इंटेस्टाइन नहीं सॉरी क्या कहते हैं टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स हाँ टेस्टिकल्स वाला था।
और फिर वो बहुत ज्यादा कोल्ड होके फिर नाक से भी बह रहा था वो पहले हुआ हाँ, वो नाक से बहने वाला पहले हुआ दूसरे लगातार हो रहा था ना नाक कोरोना नहीं हुआ तो ये दोनों कटे लगा देते हैं एक तो इंजेक्टेबल एक नाक में डालना है अच्छा हाँ कैनल का हाँ ठीक है और इससे ना और नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है पहले ही बता दो क्योंकि अगर क्या कुछ इंजेक्ट करना होगा तो पहले ही बता दो मुझे हाँ ये जा रहा है लॉन्ग ट्रिप पे कब जा रहा है परसों निकलेगा निकलेगा हाँ तो प्रिकॉशन के लिए क्या क्या जो भी कुछ चाहिए होगा मैं दे दूंगा हाँ ठंडी जगह बर्फ बर्फ होगी वहाँ पे बिल्कुल और स्टे बाबा ये जा रहे हैं अकेले इनके साथ पता नहीं ये क्या कर रहा है एक बात नहीं मानता अकेले जाएगा आप बोलिए हाँ बस ये दोनों जा रहे हैं मेरे बेटे का एग्जाम है ना नहीं तो हम भी चलते अभी तो मेरी बेटी भी छोटी है मोटा मोटा कट गया इतना सामान तो मैंने अपने लिए नहीं लिया जितना होगी के लिए लेना पड़ा मुझे और जाओ डोलो ट्रिप पे इसलिए सब्सक्राइब करना बनता है ए गुड मॉर्निंग आप सभी को स्वागत है मेरे इस वीडियो में एक्चुअली वही जो पिछला सारा वीडियो है उसी का ही हिस्सा है ये मैं अभी तक दिल्ली में हूँ और आज मेरा लास्ट डे है दिल्ली में आज है 15 February और एक्चुअली मैं 15 February को निकलने वाला था एक्चुअली मैं 15 February को नहीं मैं 5th को निकलने वाला था 5th February को कल मैंने गाड़ी भी सर्विसिंग करवा ली बिना सर्विसिंग के इतनी दूर जाना मुझे सही नहीं लगा तो उस पर भी लग गया मोटा खर्चा खुद पे भी थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा हालत देखो मेरी बीमार की वजह से ना हाँ तो मैं 15 February को निकलने वाला था और मैं 5 तारीख से मैंने छुट्टी भी ले लिया था बट अनफॉर्चुनेटली मैं बीमार पड़ गया और फिर उसके बाद मुझे टाइम लग गया रिकवर होने में हालांकि अभी भी मैं फुल्ली रिकवर्ड हूँ नहीं बट क्या करें अब निकलना तो है जैसे भी तो 10 days मेरा ऐसे भी वेस्ट हो गया तो 15th को मैं निकलने वाला था बट 15th को भी नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया था तो मैं निकलूँगा कल यानी 16 February और फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी जनकपुरी एक्चुअली ना मैंने एक डिज़ाइन एक बैनर या पोस्टर कुछ भी कह लो वो मैंने एक थोड़ा सा खुद ही एक डिज़ाइन किया है डोंट नो आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं बट आई जस्ट ट्राइड तो उसी के लिए उसी की प्रिंटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ अभी जनकपुरी तो देखते हैं क्या होता है उन लोग कह रहे थे कि ये आज नहीं हो पाएगा बट मैंने इंसिस्ट किया कि चलो कैसे भी करवा दो आज मुझे कल निकलना है तो वो कह रहे थे जल्दी आ जाओ चलो भाई देखते हैं आप ये बताओ आप ना ये साइड के दरवाजे के लिए हाँ ये पीछे वाले पे आगे वाले पे आगे वाले पे मतलब चारों साइड में हाँ दो चार दरवाजे पे वही चीज आएगा इसके ऊपर ऊपर लेना है हाँ इतना तक हाँ यस आसानी से उतर तो जाएगा ना फिर आप उतार दोगे धूप है आप भी उतार सकते हो जैसे जैसे नाखून से खींच के धीरे धीरे उतर सकते ये फिर पेंट पे फर्क तो नहीं आएगा ना फिर क्योंकि मुझे ये टेम्पररी लगाना है फिर आगे फिर दोबारा होगा तो फिर आगे लोकल पेंट पे फर्क पड़ता है ओरिजिनल दोपहर को 1:30 निकला था मैं घर से और अभी बज रहे हैं 6:30 पैकिंग वैकिंग सारा कुछ वैसा ही है कुछ भी पैकिंग नहीं किया मैंने अभी तक एक बनियान तक मैंने अपनी बैग में नहीं रखा एक तो वो स्टिकर लगाने में टाइम लग गया स्टिकर लगा 6:00 जिन्होंने प्रिंट किया ना वो कह रहे थे कि आपने बैनर का जो स्टिकर का खिचड़ी बना रखा है बिल्कुल इतना ज़्यादा कलरफुल है फिर भी आप देख के एक बार बताना प्लीज़ कॉमेंट करके कि ना कैसा हुआ है नारियल पानी चॉकलेट ये सारा स्नैक्स रास्ते के लिए एक चीज़ दिखाता हूँ आपको इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जंग में जा रहा हूँ देखो क्या क्या बना रहे हैं गाजर का हलवा और ना जाने क्या क्या तैयारी हो रही है लेके नहीं जा रहे इतना कुछ करने के बाद फाइनली मेरा स्टिकर ये है मेरा स्टिकर तो ये है स्टिकर जो मैंने आज लगवाया प्लीज बताना कमेंट में कि कैसा हुआ